नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नानी माँ के नुस्खे लेकर के आई हूँ जो बहुत ही कारगर है। गर्मियों में खास तौर से पेट में कई तरह का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कई बार है जो है ना, पेट में अफारा, गैस बनना और बदहजमी और ये सब होने लगता है ना, जब कभी पार्टी वार्टी में ज़्यादा कुछ तेल ओल तेल मसाले वाले ज़्यादा हैवी खाना हो गया है तो आप बहुत परेशान होने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है, नींद वगैरह नहीं आती है। तो उस टाइम आप ये नुस्खा देखिएगा, अपना के बहुत ही कारगर है। मैं बरसों से इसको अपनाते आई हूँ। जब भी परिवार में किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो मैं ये ज़रूर करके देती हूँ। ये देखिए कितना आसान है, ये बनाना बहुत ही आसान है और जो आपके पास किचन में है ना उसी से बनता है। ये मैं हाफ़ नींबू ली हूँ, हाफ़ नींबू को थोड़ा सा जूस निकाल दी हूँ मैं, पूरा जूस उसमें नहीं रहने देना है और उसका बीज भी बाहर निकाल दी। और उसके बाद उसके अंदर मैं एक चम्मच अजवाइन धीरे धीरे नुकीला चीज़ से उसमें दबा दी हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा चम्मच यहाँ ले रही हूँ मैं काला नमक, ये भी मैं इसके ऊपर धीरे धीरे दबाऊँगी। इस तरह से जाली पर डाल के इसको गैस लो करके इस पर मैं इसको सेकूंगी 2 से 3 मिनट, बस आराम से इसको सेकना है। और सेकते समय ये ना बाहर से नींबू जो है ना थोड़ा सा पकेगा और अंदर ये काला नमक और अजवाइन जो है दोनों एक साथ उसमें बॉयल होगा, उसके साथ हल्का सा इसमें बॉयल होने का आएगा, आपको आगे मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद ही इसको जो है ना गैस को बंद कर देना है। और यदि जाली आपके पास नहीं है तो आप तवा पर भी इसको रख के ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही कारगर है। जी मिचलन भी होने लगता है और पेट में बहुत ज़्यादा अफारा जैसा होने लगेगा तब भी ये बहुत ही कारगर है। आप ज़रूर एक बार देखिएगा इसको इस तरीके से बना करके और अपना के। और यहाँ देखिएगा अभी इसमें बॉयल आएगा थोड़ा सा और उसके बाद ही मैं इसको निकाल दूंगी। यहाँ देख से आ रहा है ना बॉयल, इसमें बस इतना ही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और ये बॉयल आने के बाद लगेगा कि नीचे गिर रहा है तो थोड़ा इसको उठा दीजिए, आप 2 मिनट ऊपर कर दीजिए और फिर से इसको डाल के 2-3 मिनट इसको अच्छा मतलब कि पका लेना है इसको, अजवाइन और काला नमक को नींबू के साथ। और जूस इसमें कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जूसी नहीं लेना है नींबू। और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना ही इसको चूस चूस के अंदर का इसका खा लेना है। उसके बाद नॉर्मल पानी, अभी गर्मी है तो थोड़ा नॉर्मल पानी इसको पी लीजिए और 2-3 बार इस उपाय को कीजिएगा दिन में और देखिएगा अगले दिन बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे।